धार जिले के औद्योगिक नगरी पीतमपुर क्षेत्र में रेन बसेरे को कोविड 19 सेंटर बनाए जाने के विरोध में आज कांग्रेस शहर अध्यक्ष और पार्षद ने कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देकर मांग की है कि रहवासी क्षेत्र में बने रेन बसेरे के अलावा कहीं और बनाया जाए कोविड 19 सेंटर। जिला प्रशासन द्वारा रेन बसेरा को कोविड 19 सेंटर बनाए जाने के लिए कल ही निरीक्षण किया गया था और आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल ने विरोध दर्ज करा दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया चर्चा के दौरान बताया कि हमारे रहवासी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन द्वारा रेन बसेरे को कोविड 19 सेंटर बनाए जाने का विरोध स्वरूप आज थाना प्रभारी नगर पालिका परिषद को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि कोविड 19 सेंटर को कहीं अन्य जगह बनाया जाए, क्योंकि रहवासी क्षेत्र है, सामने ही सब्जी विक्रेता है, बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 13 घनी आबादी है। पीतमपुर से संजय सुनकरा की रिपोर्ट। रहवासियों के द्वारा सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 13 में कोविड क्वारंटाइन सेंटर खोला जा रहा है। चूँकि जो कोविड सेंटर खोला जा रहा है वहाँ आसपास आंगनवाड़ी भी, रहवासी बस्ती, हाट बाजार लगता है और सभी लोगों का आना जाना है, कुल मिला के कहीं ना कहीं वो सुरक्षा की दृष्टि से गलत है। उस चीज़ के लिए हमने आज तहसीलदार साहब से भी बात किया था और 181 पे CM हेल्पलाइन पे भी आज हमने कंप्लेंट किया है। उसके बाद आज हमने थाना प्रभारी जी को भी एक आवेदन दिया है, नगर पालिका को भी दिया है कि उस क्वारंटाइन सेंटर को उस घनी बस्ती से दूर ले जाया जाए और हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस महामारी और इस बीमारी को देखते हुए कहीं और उस क्षेत्र से और आगे ना फैले, क्योंकि बच्चों का आना जाना है, खेल का मैदान है, तो उस क्वारंटाइन सेंटर को कहीं भी सुरक्षित स्थान पर स्थान परिवर्तन किया जाए। यही आवेदन लेके आज हम थाना प्रभारी के पास आए थे, नगर पालिका में दे चुके हैं और अभी SDM साहब से बात करके इस क्वारंटाइन सेंटर को हटाने की मांग की। आपका नाम, आपका पद बताएं। पिंटू जायसवाल, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी पीतमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।